देश में पेराई सत्र शुरू हो चुका है और अक्टूबर में देश भर में हुए बारिश का असर चीनी उत्पादन पर हुआ है। जहां देश का कुल चीनी उत्पादन पिछले सीजन के मुकाबले कम है, तो वहीं तमिलनाडु में चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के मुताबिक तमिलनाडु में चीनी का उत्पादन इस सीजन के अक्टूबर 31 तक 45,000 टन रहा है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 25,000 टन था। राज्य में 10 चीनी मिलों ने फिलहाल पेराई शुरू कर दी है, जबकि पिछले सीजन इस तारीख तक सिर्फ 4 चीनी मिलों ने ही पेराई शुरू की थी। आपको बता दें कि देश में चीनी का उत्पादन 2022-23 सीजन के पहले महीने में सालाना 14.73% बढ़कर 4,05,000 टन हो गया है। 2021-22 सीजन में अक्टूबर के दौरान 4,75,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया था। वहीं इस सीजन अक्टूबर के दौरान लगभग 134 मिलें चल रही थी, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 160 मिलें शुरू थी। लेकिन फिलहाल तमिलनाडु में चीनी उत्पादन बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।